नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजू हेल्प में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट भर्ती परीक्षा के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि रीट भर्ती परीक्षा के लिए नवंबर में इसकी विज्ञप्ति जारी होनी थी, लेकिन जो भी दोस्तों MLC के चुनाव चल रहे हैं इसके चलते ही दोस्तों आचार संहिता लागू हो गई है और इसमें दोस्तों इन्होंने जो भी विज्ञप्ति के लिए शिक्षा विभाग ने जो भी एक फाइल भेजी थी चुनाव आयोग को, दोस्तों वह चुनाव आयोग ने फाइल को लौटा दिया है और दोस्तों इस पर 11 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है जब तक आचार संहिता लागू रहेगी। तो दोस्तों इसकी भर्ती कब होगी इसके बारे में आगे वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ चलते हैं। रीट भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों का इंतजार और बढ़ा है। पिछले एक वर्ष से रीट भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों का इंतजार और बढ़ गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 दिसंबर तक रीट की विज्ञप्ति निकालने पर रोक लगा दी है। दरअसल शिक्षा विभाग ने रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने की अनुमति लेने के लिए फाइल निर्वाचन आयोग को भेजी थी। आयोग ने यह कहकर लौटा दी कि इसमें दी गई अंकों की छूट से वर्ग विशेष प्रभावित हो सकता है, इससे आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। ऐसे में 11 दिसंबर को आचार संहिता हटने के बाद ही विज्ञप्ति जारी की जाए। इससे दोस्तों पता लगता है कि फरवरी में परीक्षा होना भी मुश्किल है। रीट करवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। परीक्षा की विज्ञप्ति नवंबर में जारी होनी थी, इसके बाद परीक्षा करवाने में 3 महीने का समय लगता है। ऐसे में फरवरी में परीक्षा करवाए जाने की संभावना थी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा फरवरी में परीक्षा के संकेत दिए थे, लेकिन अब विज्ञप्ति 11 दिसंबर के बाद जारी होनी है, यानी परीक्षा भी फरवरी में होना मुश्किल है। पात्रता अंकों में छूट बना कारण, जानकारी के अनुसार इस बार शिक्षा विभाग में रीट भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम पात्रता स्नातक में 60% अंक रखी है, लेकिन SC ST OBC विकलांग आदि वर्ग को 5-10% अंकों की छूट दी जाएगी। विज्ञप्ति में इसकी घोषणा भी की जाएगी, इसी कारण से आयोग ने रोक लगा दी है। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस खबर में देखा है, चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर 2020 तक के लिए रीट भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। दोस्तों इसकी परीक्षा हो पाना अभी मुश्किल है। तो दोस्तों क्या होता है आगे अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।